अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, शुक्रिया। तो जी, हम अब ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैं एक्सपो सेंटर में गई थी, यानी कि सैटरडे। तो सैटरडे नाइट को जब हम वहाँ से निकले हैं शाम को, तो भूख लग रही थी। मैंने आपसे यही कह के अलविदा किया था उस ब्लॉग में कि अब हम करते हैं पेट पूजा। तो बस फिर बच्चों ने और हस्बैंड ने कहा कि लकी वन चलते हैं। अभी हम इस वक्त आए हैं लकी वन में और यहाँ पर हमने खाना खाना है इनके फूड कोर्ट के अंदर। और चूंकि हम आ चुके थे लकी वन, तो मैंने सोचा आपको लकी वन का एक विजिट भी करवा देती हूँ। तो गुजरते गुजरते मेरी नज़र यहाँ पे कराजा के कॉस्मेटिक्स पर पड़ी, तो मुझे ना फेस शाइनर देखना था। मैं वही बस चेक कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेस शाइनर है, और मैं अपने हाथ पे लगाकर चेक कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं वापसी पर ले लूँगी, लेकिन ले नहीं सकी। और यहाँ मैं बच्चों के साथ खेलने लग गई, और बच्चे जो है वो हम घर में अक्सर ये खेला करते हैं, और इतने अरसे से मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, इनको नहीं आता। तो कभी भी नहीं आता इनको, ये छम 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 कहते हैं, हम बचपन में बहुत खेला करते थे इसको। तो मेरे बेटों को मैं सिखा सिखा के थक गई हूँ, ये नहीं सीख पाए। अभी देखिएगा, बुल्ला के साथ तो मैंने बहुत टाइम लगाया इसमें, लेकिन अब बुल्ला भी नहीं कर पाएंगे ये। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को भी सिखा दिया, उनको मैं कह रही थी आप आ जाएं, तो वो कहते नहीं आप लोग खेलो। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं हाइपर स्टार में। हाइपर स्टार में इसलिए आए हैं कि मेरे हस्बैंड को कुछ देखना था। वो चाह रहे हैं फोल्डिंग चेयर और कुछ टेबल इस टाइप की, क्योंकि जब से हमने आउटडोर कुकिंग की है, वो बिरयानी वाला ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा, मेरे हस्बैंड को जुनून चढ़ गया है कि बस अब हमने बाहर ही खाना पकाने का कोई सिस्टम ऐसा बना लेना है और इंशाल्लाह आउटडोर कुकिंग करनी है। ये हमारे पास है। एक मिनट रुको, यहाँ के लिए आए थे। हाँ, इसी के लिए तो मैं आया हूँ। वो तो जाहिर है। अच्छा, एक तो ये स्टूल देखो, अब्दुल ही उठाएं, बहुत छोट नीचे है ना, 929। नहीं, जब इसके ऊपर रख के बैठेंगे ना, फिर नहीं बंद होगा, वो तो है ही बंद होने के लिए ना। ये शाजिया फैमिली ने इसके साथ पंगा ले लिया है और अब ये जो है शोर मचा रही है। Thank you.
और मामा जी, मामा जी देखना मोहम्मद को, हटो बेटा ये बच्ची में ना कोई काम कर। और ये बच्चों का वंडरलैंड है जहाँ पे बच्चों को छोड़ा जाता है और बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं, माँ बाप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। जी तो यहाँ अब थक कर खाने पीने के लिए जो आए थे लिहाजा पहुँच चुके हैं और अब अपनों ने अपनी पसंद की डील इन्होंने ले ली है। बच्चों ने, मोहम्मद ने नगेट्स और माइलो लिया है, अब्दुल्ला ने बर्गर लिया है और ये इन्होंने गप्पा चाट ली है, इसको कहते हैं गप्पा चाट, तो ये जुल्फी ने ली है और साथ में ड्यू का कैन, और मैंने ये 5 पीसीस ब्रोस्ट ले लिया था KFC का और बहुत मज़े का होता है, मुझे ये बहुत पसंद है।
तो बस हम लोग अब खाएंगे और एंजॉय करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ, ये मोहम्मद मॉन्स्टर बना हुआ है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए आने वाले सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।